एनसीईआरटी, एनसीईआरटी 9.6। चलो लेट अस डू अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, 20 ग्राम। एक बुलेट है जिसका मास 20 ग्राम है, पहले नहीं चलता, पहला कुछ भी मत कर, पहला कन्वर्ट कर। स्टेप नंबर वन, कन्वर्ट इट 20 डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम्स। 0 0 1 50 जा, सो यू गेट किलो, किलोग्राम, हा यू गेट 1/50 किलो मास ऑफ बुलेट, एम बी बोल दे। एक बुलेट है जिसका मास 20 ग्राम है, मतलब 1/50 kg। आई कन्वर्ट इन टू केजी, हा इज फायर्ड विथ द वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड, इज फायर्ड विथ द वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड। बुलेट मास, वेलोसिटी ऑफ बुलेट फ्रॉम द पिस्टल ऑफ मास, पिस्टल, पिस्टल बनाते हैं, पिस्टल, फ्रॉम द पिस्टल ऑफ मास, मास ऑफ पिस्टल 2 kg, मास ऑफ पिस्टल 2 kg। व्हाट इज रिकॉइल वेलोसिटी, रिकॉइल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी ऑफ पिस्टल रिकॉइल, रिकॉइल मतलब पीछे जाना, रिकॉइल मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम टू मेक योर कंसेप्ट थरफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम टू मेक योर कंसेप्ट थरफ। प्लीज लिसन टू माई वर्ड केयरफुली, लीव एवरीथिंग एंड लिसन। इनिशियली द पिस्टल वॉज एट रेस्ट, ध्यान से सुनना। इनिशियली, आई एम राइटिंग ऑल्सो फॉर यू, इनिशियली पिस्टल एंड बुलेट वर एट रेस्ट, वर एट रेस्ट, ग्रेट, ओके सर, वर एट रेस्ट, ग्रेट, ओके सर। सो इनिशियल मोमेंटम इज जीरो, इफ इनिशियल मोमेंटम इज जीरो, बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम ऑल्सो शुड बी इक्वल टू इनिशियल। सो फाइनल शुड, इनिशियल इज जीरो, सो फाइनल मोमेंटम शुड ऑल्सो बी जीरो। यू कैनॉट राइट आई एम एफ एम, इट इज नॉट अलाउड। यू हैव टू राइट इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम पूरा पूरा। प्लीज मेक दैट वेरी क्लियर। एम आई क्लियर क्लियर? फर्स्ट कॉन्सेप्ट, लिसन टू द वर्ड केयरफुली। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट सेज दैट पिस्टल फायर होने के पहले और बुलेट भी शांत था, पिस्टल भी शांत था, शांत मतलब स्टेशनरी, देयरफॉर इनिशियल मोमेंटम इज जीरो। नाउ समवन इज फायरिंग, व्हेन समवन इज फायरिंग तो बुलेट विल गो आगे एंड गन विल रिकॉइल पीछे। तो क्या फाइनल मोमेंटम में क्या क्या आएगा? फाइनल मोमेंटम में आएगा मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, प्लस मास ऑफ पिस्टल, वेलोसिटी ऑफ पिस्टल। डू यू एग्री, डू यू एग्री विथ व्हाट आई रोट, डू यू एग्री विथ व्हाट आई रोट? मास ऑफ पिस्टल, वेलोसिटी ऑफ पिस्टल, प्लस मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट। इनिशियली जीरो था, फाइनल में बुलेट आगे गया, पिस्टल पीछे गया, बुलेट आगे गया, पिस्टल पीछे गया। टिल हियर यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड, यूज योर ब्रेन, रीड द क्वेश्चन, योर ब्रेन शुड बी केपेबल टू थिंक करेक्ट एंड देन फ्रेम द इक्वेशन। दिस इज ऑल योर ब्रेन जॉब। आई विल सॉल्व 5 problems, 6 problems ऑन मोमेंटम। आफ्टर दैट इट इज यू हु इज गोइंग टू डू इन एग्जाम। वी हैव नो रोल, यू हैव टू थिंक। आई एम टीचिंग यू कॉन्सेप्ट, इनिशियल इज ऑलवेज इक्वल टू फाइनल। नाउ नाउ टेक मास ऑफ बुलेट, मास ऑफ बुलेट इज 20 grams, इज 1/50, 1/50। टेक वेलोसिटी ऑफ बुलेट 150, 150 प्लस, यूज ऑलवेज यूज ब्रैकेट्स, मास ऑफ
पिस्टल, मास ऑफ पिस्टल इज 2, वेलोसिटी ऑफ पिस्टल डोंट नो इज इक्वल टू 0, 1 जा 3 जा, 3 plus 2 V वेलोसिटी ऑफ पिस्टल इज 0, टेक दिस 3 दिस साइड, तो 2 into वेलोसिटी ऑफ पिस्टल इज -3, ब्रिंग दिस 2 डाउन, बेसिक्स ऑफ अलजिब्रा, सी एवरीवेयर इज इज अलजिब्रा, मैंने बोला था ना, मैंने क्या बोला था, लीनियर इक्वेशन सिखाते टाइम, पॉलिनोमियल सिखाते टाइम, मैथ्स का जन्म ही फिजिक्स के लिए हुआ है, 2 नीचे ला, वेलोसिटी ऑफ पिस्टल इज -3/2, वेलोसिटी ऑफ पिस्टल इज -1.5 meter per second, मतलब पिस्टल जब तू फायर किया, बुलेट आगे गया बट पिस्टल पीछे आया, कितने वेलोसिटी से पीछे आया, 1.5, सी द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स, पीछे गया, अगर बुलेट पॉजिटिव, सी द ब्यूटी, बुलेट अगर आगे है पिस्टल पीछे है तो नेगेटिव आना चाहिए, देख नेगेटिव आया, मतलब क्या ब्यूटी है, ऑटोमेटिकली इट इज टेकन केयर, ऑटोमेटिकली इट इज टेकन केयर कि माइनस आना ही है, एंड आ गया, हमने कुछ नहीं किया, ऑटोमेटिकली माइनस आया, देख अगर ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव आना चाहिए, देख नेगेटिव आ गया, इजंट इट दैट ब्यूटी ऑफ फिजिक्स एंड मैथ्स, क्लियर है हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, इज इट क्लियर, कॉपीड और वेट, शुड हैव यू कॉपीड और शुड आई वेट,